हे गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक हो। वीडियो बहुत दिनों बाद मैं अपलोड कर रही हूँ, उसके लिए सो सॉरी। तो जो ये मेकअप लुक है वो इंस्पायर हुआ है मुस्कान शर्मा की। ये बहुत अच्छी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनका काफ़ी अच्छा नाम है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव रहते हैं ये। और इनकी वाली फ़ोटो जब मैंने देखी तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया। ज़्यादा लेट ना करते हुए चलिए मैं आपको सीधे ये बताती हूँ कि मैंने ये मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया। वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं स्किन केयर रूटीन लूँगी। टोनर के लिए ले रही हूँ मैं एयर गुडनेस का टोनर। इसे अपने पूरे फेस पे लगा के अच्छे से टोन करूँगी। टोनर वगैरह या फिर स्किन केयर वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैं ले रही हूँ डर्माडॉग की एक्ने एंटी एक्ने सीरम। ये बहुत अच्छा सीरम है, मैं जल्दी इसका रिव्यू शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ। इसे अपने पूरे फेस पे लगा के अच्छे से मसाज करना है। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे पोन्स की मॉइस्चराइजर। पोन्स का मॉइस्चराइजर भी मुझे पसंद है, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इसका रिव्यू दे दूँगी। वैसे मैं सोच रही हूँ रिव्यू के लिए। प्राइमर के लिए ले रही हूँ NYB का सिलिकॉन बेस प्राइमर, और इसे अपने टी जोन एरिया पे फोकस करते हुए लगाऊंगी और इसे अच्छे से अपने हाथों से ब्लेंड कर लूँगी। ब्लेंडिंग जो होती है वो मेकअप में मस्ट इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद लिया है फिटमी का फाउंडेशन और इसे अपने पूरे फेस पे डॉट डॉट करके लगाया है और फिर एक ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड किया। वैसे आप इसे ब्रश वगैरह से भी, जो मेकअप ब्रशेस आते हैं उनसे भी ब्लेंड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे NYB का कंसीलर और इसे अपने जहाँ जहाँ मुझे हाईलाइट चाहिए, मतलब ब्रिज ऑफ द नोज, चिक बोन एरिया, अंडर आई, मेरी आई प्राइमर की तरह, सब जगह लगा के इसे अच्छे से उसी ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँ जिससे मैंने अपना फाउंडेशन ब्लेंड किया था। इससे क्या होगा, मुझे और अच्छा कवरेज मिलेगा। जो फाउंडेशन थोड़ा बहुत ब्यूटी ब्लेंडर में होगा वो भी इसके साथ ब्लेंड हो जाएगा। आप फाउंडेशन कंसीलर के लिए अलग अलग ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ ना करें। उसके बाद मैंने लिया ADS का लूज पाउडर और जहाँ जहाँ मैंने पहले कंसीलर लगाया वहाँ वहाँ अच्छे से लगा के इसे डैब डैब करूँगी, ताकि क्या होगा, जो मेरा कंसीलर हो वो लॉक हो जाए। खास करके अंडर आई एरिया वगैरह पे आप पहले पाउडर या फिर लूज पाउडर का इस्तेमाल करें। उसके बाद मैंने अपनी ब्राउ बोन्स को अच्छे से फिल नहीं किया, सिर्फ उन्हें सेट किया है। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पे जैकलिन हिल का जो पैलेट आता है उसमें से शेड लिया था मैंने ऊपर का, और उसे खाली क्रीज लाइन पर लगाया। उसके बाद मैंने लिया यहाँ पे थोड़ा सा पर्पल सा शेड है और उसे मैं वहीं पे जहाँ पे मेरी क्रीज लाइन है वहाँ से ब्लेंड करते हुए आउटर वी पे फोकस करते हुए लगाऊंगी। उसकी जब आप आई देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा पर्पल शेड दे रही थी। उसके बाद मैंने लिया है ब्राउन शेड और इसे मैं अपनी आईलिड एरिया पे एक फ्लैट ब्रश से लगाऊंगी। उनकी आईज़ पे ना दो कलर ही ज़्यादा दिख रहे थे, एक पर्पल और एक ब्राउन कलर, तो मुझे यही वाले आई कलर तो सही लगे थे। उसके बाद मैंने लिया ये थोड़ा सा पर्पल सा शेड में है लेकिन शिमरी शेड है, तो इसको मैं अपने आईलिड एरिया पर ही अप्लाई करूँगी जहाँ मैंने ब्राउन वाला आई शेडो अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने जो ब्राउन आई शेडो और जो पर्पल आई शेडो उसे मिक्स करके अपने अंडर आई एरिया पे भी लगाऊंगी, ताकि जो मेरे आप उनकी आंखें देखोगे ना अंडर आई एरिया पे काफ़ी अच्छा उनका आई शेडो पता चल रहा था। उसके बाद मैंने लिया ब्लू हेवन का आईलाइनर और उसे एक बहुत पतला सा आईलाइनर मैं ड्रॉ करूँगी, उनका आईलाइनर ज़्यादा पता नहीं चल रहा था। उसके बाद मैं कॉन्टोर के लिए ब्राउन शेड का आई शेडो ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपके पास कॉन्टोरिंग है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आप पार्टी वगैरह के लिए मेकअप लुक करते हो तो। उसके बाद ब्लश मैंने देखा उनके फेस पे ज़्यादा नहीं पता चल रहा, खास करके उनके फेस पे ना ब्राउन कलर बहुत ज़्यादा खिल के आ रहा था, तो मुझे मेरे पास ब्राउन शेड का ब्लश नहीं था इसलिए मैंने ये वाला यूज़ किया। मैट लुक का हाइलाइटर लेके उसमें से जो गोल्डन कलर का हाइलाइटर उसे लेके अपने पूरे फेस को हाईलाइट करूँगी। उनका फेस बहुत अच्छे से हाईलाइट हो रहा था उस पिक में, तो मैंने अपने पूरे फेस को हाईलाइट किया है और आईज़ को काफ़ी अच्छे, उनके आई मेकअप जो था उनके लेंस की वजह से बहुत अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने आज ब्लू कलर के लेंसेज भी लगा रखे, आपने ध्यान दिया होगा। उसके बाद फेक लेसेस लगा के उसके बॉन्ड को छुपाने के लिए थोड़ा सा आईलाइनर उसके बॉन्ड पे लगाऊंगी, ताकि उसके फेक लेसेस का बॉन्ड छुप जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर लगाया लिपस्टिक। लिपस्टिक का कलर थोड़ा सा मेहरून शेड में है ये वाला, ये कलर काफ़ी अच्छा भी है। उसके बाद मैंने यहाँ लिपस्टिक अपने अप्लाई की है, लिपस्टिक वगैरह जो अप्लाई करे बहुत है। तो ये हो गया मेरा पूरा मेकअप डन। आप चाहें तो इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, अच्छा सा कोई हेयर स्टाइल बनाइए और पार्टी में चले जाइए, ये मेकअप लुक ऐसे लगे। लेकिन उनके मेकअप लुक की खास बात जो थी उनके सर मांटी का बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे वैसा मांटी का नहीं मिला। तो मेरे पास एक कमर की गर्दन होती है ना, ये थी, तो इसमें ग्रीन कलर था तो मैंने यही यूज़ किया, बहुत मुश्किल से लगा। तो बताइएगा आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो मेक श्योर कमेंट करिएगा और कैसी वीडियोज़ चाहिए उसको भी बताइएगा। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।